गाइस, गुड आफ्टरनून। और आज मैं ब्लॉग कर रहा हूँ दोपहर के 3 बजे। हाँ गाइस, थोड़ा लेट हो गया था, आपको पता है जैसा कि घर में प्रोग्राम है उसी वजह से थोड़ा लेट हो गया और बहुत सारे काम थे। और मैं थोड़ा सा बताने वाला हूँ डेकोरेशन के। युवराज रेडी हो रखा है। युवराज तेरे को क्या लाना है? इसको कंगन लेके आने हैं, पूनम को कंगन लेके आने हैं, इसके साथ में जा रहा हूँ। और ये देखो, ये जो एंट्री गेट है इधर से देखिए, ये खाने के लिए सीटिंग हो गई इधर। और ये फास्ट फूड काउंटर है, ये मेन एंट्री गेट है। सो अभी हम आ गए हैं इसके लिए चूड़ियाँ लेने, और इसके बाद हम सिस्टर की एनिवर्सरी पे उसको गिफ्ट देने के लिए गिफ्ट भी लेंगे। सो गाइस, वहाँ पे पूरी चूड़ियाँ नहीं मिली थी तो दूसरी दुकान पे आए, और सो फाइनली यहाँ से चूड़ी ले ही ली है। ठीक है, अब चले घर। सो हम घर जा रहे हैं अब। सो गिफ्ट लेना तो भूल ही गए थे, तो गिफ्ट लेने आ गए हैं शॉप पे। सो हमने एक गिफ्ट भी पैक करवा लिया है और अब हम घर जा रहे हैं यहाँ से। सो फाइनली गिफ्ट लेके और चूड़ियाँ लेके घर आ गए। सो गाइस, ये रंगोली अच्छी लग रही है, वहाँ से हो गई और ये एंट्री गेट हो गया। हेलो गाइस, ये हमारा छोटा भाई पवन और यार ये तो मरान होती है, ये सिस्टर है। तो गाइस वेलकम टू ब्लॉग। और गाइस, अंदर काफी नॉइज था और डीजे भी चल रहा था, तो हम लोगों को मतलब ये पता नहीं था ना कि बोलने की आवाज नहीं आ रही थी, थोड़ा कॉपीराइट का इशू था। और अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे, ये मैं हूँ अजय बिहार, ये अभी है ना, ये अभी खो गया था, इसको ढूंढ के लाया हूँ। काम क्या कर रहे तू? काम क्या था? ये भी ले गए ढूंढ के। हैं, क्या कर रहा था? फोन देख रहा था। फोन देखने चला गया था ये। तो गाइस, अभी यहाँ पे काफी लोग आए हुए हैं, पूरे मेहमान हमारे यहाँ पे आए हुए, बहुत एंजॉय हम लोग कर रहे हैं। और बाकी अंदर तो बोल ही नहीं पा रहे हम लोग कुछ, अभी हम लोग आपको और दिखाते हैं अंदर का और बाहर का माहौल, तब तक ब्लॉग में बने रहो। फाइनली सारे मेहमान, आधे से ज्यादा लोग जा चुके हैं यहाँ पे, और ये चाची हमारे खाना खा के जा रहे हैं यहाँ से और उधर। और ये क्या खाने आ रहे हैं? क्या? और नाश्ता वगैरह भी ठंडा हो गया है, तो बड़ी मम्मी का नाश्ता भी ठंडा हो गया, देख लो इतनी बड़ी शादी में। 11 बजे खाना मिला है हमें, अभी मिले, क्योंकि पूरी पार्टी खत्म हुई है। ऐसा ही होता है हर घर में, घर वाले खाते हैं रात को 11-12 बजे। हाँ, और हम फिनिश होने के बाद, हाँ भाई अपने लिए बचा है कि नहीं बचा खाना। और गाइस, हमें तो ये भी नहीं पता नाश्ते में क्या है, सिर्फ जूस और मैंने कुछ चार पांच नाश्ते करे, दो चार आइटम देखे अभी तक, मैंने भी जूस ही देखा है। हाँ, क्या खा रही है? कुछ नहीं खा रही है, फलियां खा रही हूँ, टिकिया खा रही है। टिकिया खा रही है? कमेंट करके जरूर बताना आज कैसी लग रही है। सो गाइस, रात के 12:30 बज रहे हैं और यू भी खाना नहीं खाया था, अभी इसको खाना खिला रहे हैं। कोई भी नहीं है, हम सिर्फ अकेले बैठे हैं। और अभी भी देखो, इसको फोन दिए ना तब जाके ये खाना खा रहा है। फाइनली युवराज खाना खा लिया और अभी मैं घर आ गया, और बहुत इंजॉय किया आज, बहुत मस्ती की, ये सब आपने ब्लॉग में देख ही लिया होगा। और मैं भी इस ब्लॉग को अब यहीं समाप्त करने जा रहा हूँ। सो गाइस, थोड़ा सा आज प्रॉब्लम हो गया था, जब हम वीडियो शूट कर रहे थे तो वहाँ पे नीचे वायर बिछी हुई थी, तो वो वायर शॉर्ट हो गई, उस वजह से नीचे जो चद्दर होती है उसमें आग लग गई थी, तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ा और मैं तो डर ही गया था ये क्या हो गया। तुझे नहीं पता था जब मैं वीडियो बना रहा था ना वहाँ पे, तब हुआ था। सो गाइस, ऐसी चीज़ें होती है तो डर सा लगता है। सो कुछ भी नहीं, फाइनली बहुत अच्छा हुआ आज का प्रोग्राम, और बहुत सब कुछ इंजॉय मस्ती बहुत अच्छे से कर लिया। और अब ब्लॉग को समाप्त करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत थक गया और पूनम भी शायद बहुत थक गई होगी, तो
तो इसीलिए बस रेस्ट कर देंगे। और तुझे कुछ कहना है? मैं तो बहुत थका हूँ। अरे बनी नहीं आज, अब रील बनानी है यार। रील बनाने का टाइम हो गया यार, 2 बजे में ब्लॉग खत्म कर रहा हूँ, समझ। एक दो बनानी है। ठीक है गाइज, मैं इसकी रील बना देता हूँ और इस ब्लॉग को भी यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि बहुत कुछ हो गया आज यार, पूरा दिन परेशान हो गए। तो फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय।